पौड़ी पहुंचे कमिश्नर सुशील कुमार ने जोशीमठ में हालातों की जानकारी देते हुए बताया कि करीब 10 दिन पहले सर्वे की टीम ने जोशीमठ का मुआयना किया था। उस वक्त दरार कम थी, लेकिन एक हफ्ते के भीतर जोशीमठ में दरारें बढ़ने लगी हैं। गढ़वाल कमिश्नर कुमार ने कहा कि प्रशासन की टीम उन भवनों और होटलों की मार्किंग कर तुड़ाव कर रही है जिन पर सबसे ज्यादा खतरा है। उन्होंने बताया कि 131 परिवारों को अब तक उनके भवनों से हटाकर सुरक्षित स्थान पर बने राहत शिविर पर भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि जोशीमठ के अलावा भी अन्य क्षेत्रों में भवनों में दरार पड़ी है जिनका मुआयना भी प्रशासन की टीम कर रही है। पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। विशेषज्ञों की टीम ने भ्रमण भी किया था जुलाई अगस्त के माह में, तब उन्होंने कहा था कि इन मकानों को रेट्रोफिटिंग या सुधार हो सकता है, परंतु अभी जैसा लोगों ने वहाँ बताया है, वहाँ के निवासियों ने, कि विगत लगभग 10 दिन पहले, एक सप्ताह 10 दिन पहले कोई ऐसी स्थिति पैदा हुई है जिसमें कि दरारें अचानक बहुत बढ़ गई हैं, और हम लोगों ने वहाँ निरीक्षण भी किया है, बहुत से मकानों को देखा है, तो वास्तव में वो दरारें बहुत बढ़ गई हैं और कई जगह मकान बहुत क्षतिग्रस्त हो गए हैं जो रहने लायक नहीं।